बदला फिल्मों का बहुत पुराना विषय है और इस पर हजारों फिल्में बनी हैं। काबिल में बदला लेने की जो वजह दिखाई गई है वो हिंदी फिल्मों में लंबे समय बाद नजर आई है। अपनी पत्नी के बलात्कार का बदला हीरो लेना चाहता है। ट्विस्ट यह है कि हीरो दृष्टिहीन है और वह बदला कैसे लेगा। काबिल की कहानी को दो भागों में बांटा गया है, इंटरवल के पहले और इंटरवल के बाद में। पहले हिस्से की बात पहले, यहाँ पर दिखाया गया है कि दृष्टिहीन रोहन भटनागर एक डबिंग आर्टिस्ट है। सुप्रिया से उसकी मुलाकात कराई जाती है। सुप्रिया भी दृष्टिहीन है, दोनों शादी कर लेते हैं। इस लव स्टोरी को काफी जल्दबाजी में निपटाया गया है, मुलाकात, शादी और सुहागरात। निर्देशक संजय गुप्ता को थ्रिलर बनाना पसंद है और रोमांस से वे दूर ही रहते हैं, इसलिए सुप्रिया और रोहन का रोमांस दर्शकों के दिल को नहीं छूता। अमित और वसीम सुप्रिया के साथ बलात्कार करते हैं। सुप्रिया और रोहन की शिकायत पर पुलिस वाले ध्यान नहीं देते क्योंकि अमित का भाई माधव राव ताकतवर नेता है। ये लोग सुप्रिया के साथ फिर बलात्कार करते हैं और सुप्रिया आत्महत्या कर लेती है। कहानी कितनी पिछड़ी हुई है कि बलात्कार का शिकार हुई महिला खुद को अपने पति के लायक नहीं समझती है, वह ग्लानी से पीड़ित है। आज के दौर में ऐसी बातें हैं। ऐसा 80 के दौर में होता था जब हीरोइन हीरो से कहती थी कि मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। फिल्म का दूसरा हिस्सा थ्रिलर है। इसमें दर्शाया गया है कि किस तरह रोहन अपना बदला लेता है। यहाँ पर होना ये चाहिए था कि दर्शक दम साध कर देखें कि किस तरह रोहन अपना इंतकाम लेता है, लेकिन वह इतनी आसानी से सारे काम करता है कि यकीन नहीं होता। जहाँ यकीन नहीं होता वहाँ पर दर्शक कैसे किरदार और फिल्म से जुड़ाव महसूस कर सकता है। रोहन को कोई अड़चन या परेशानी नहीं होती, वह जहां जिसे बुलाता है वो सीधे वहीं पहुंच जाता है। फिल्म में कई बातें अधूरी छोड़ दी गई हैं। सुप्रिया और रोहन के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ भी नहीं बताया गया है कि क्यों वे दुनिया में अकेले हैं, रोहन बदला लेने के लिए किस तरह की तैयारी करता है या योजना बनाता है। काबिल देखते समय कत्ल, आखिरी रास्ता और गजनी जैसी फिल्मों की याद आती है, लेकिन इन फिल्मों में मनोरंजन था, थ्रिल था, लेकिन काबिल में मनोरंजन का बहुत ज्यादा अभाव है। पूरी फिल्म में एक उदासी छाई रहती है जो मनोरंजन की आस में आए दर्शकों को उदासी से भर देती है। निर्देशक संजय गुप्ता के पास अच्छी कहानी थी, लेकिन उन्हें कहने का तरीका नहीं आया। वे ड्रामे को विश्वसनीय नहीं बना पाए, सब कुछ नकली सा लगता है। इस बार उन्होंने अपनी तकनीकी बाजीगरी कम दिखाई है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने नकली आसमान और बादल दिखाए हैं वे आंखों को चुभते हैं। कुछ जगह वे कैरेक्टर को स्टाइलिश बनाने के चक्कर में भी फिल्म का कबाड़ा कर बैठे हैं। जैसे माधव राव बेवजह सुप्रिया की मौत का शोक मनाने के लिए रोहन के घर जाता है। अमित की हत्या वाले प्रसंग को भी स्टाइलिश बनाने की कोई वजह नहीं थी। रोहन पुलिस को चैलेंज देकर क्यों मुसीबत मोल लेता है, ये सारी बातें फिल्म को कमजोर बनाती है। ऋतिक रोशन फिल्म को उठाने की भरसक कोशिश करते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट और निर्देशक का साथ उन्हें नहीं मिलता। हालांकि उनका अभिनय ठीक कहा जा सकता है। यामी गौतम को विक्की डोनर के बाद एक जैसी भूमिकाएं मिल रही हैं। रोनित राय पर नाना पाटेकर का प्रभाव था तो नरेंद्र झा पर डेनी का। गिरीश कुलकर्णी और रोहित रॉय छोटी भूमिकाओं में अपना असर छोड़ते हैं। फिल्म के गाने ठीक हैं, नया संगीतकारों को सूझ नहीं रहा है और यहाँ पर वर्षों पुराने हिट गीत सारा जमाना से भी काम चलाया गया है जिसका फिल्मांकन अच्छा है। कुल मिलाकर काबिल में मनोरंजन करने की काबिलियत नहीं है। इस फिल्म को मैं 5 में से 2 स्टार देता हूँ।